Good day student, in previous video we talk about addition of decimal number and subtraction of decimal number. So today we talk about multiplication of decimal number. हम decimal numbers का multiplication कैसे करते हैं? Suppose करते हैं हमारे पास एक number है 2.25 जिसका multiply करना है 1.5 से, ठीक है? So जब आपको multiply करने का मिले दो decimal number का, सो सिंपली आप इन डेसिमल नंबर को इग्नोर कीजिए, 225 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है? सो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11, 5 2 2, सो आंसर कितना आ गया हमारा 5 7 3 3, सो हमारा आंसर कितना आया 3 3 7 5. चलिए अब चेक हमको ये करना है कि जो हमारा डेसिमल नंबर्स थे, डेसिमल पॉइंट था, उसके राइट हैंड साइड पर कितने नंबर हैं. ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, कितने नंबर हैं हमारे 2, और ये हमारे डेसिमल पॉइंट का कितने हमारे नंबर हैं 3 1. 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सो 2 प्लस 1 3. सो हम काउंट करेंगे 1 2 3, सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा 3 डिजिट के बाद में. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. सपोज कीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 का 2.5 से, ठीक है? तो आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे पहले, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 625. अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पर कितने नंबर हैं 1 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पर कितने नंबर हैं, राइट हैंड साइड के बाद कितने नंबर हैं 1 है. सो 1 नंबर यहाँ पे हो गया, 1 नंबर यहाँ पे हो गया, सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 2. सो लास्ट से हम 2 नंबर्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. चलिए अब देखते हैं हमारा, अगर हम डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, 100 का और 1000 का. चलिए देखते हैं पहला. सपोज कीजिए हम 3.55 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ में. सो आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए 4 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 40. 78 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 780. इट मीन्स हमारे नंबर के साथ में एक जीरो ऐड हो जाता है क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? सो सिमिलरली जब हम इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3.55 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है? बट हमको पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर हैं 2 हैं, और यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है ही नहीं. सो हम 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट लाएंगे, सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पे. सो जो हमारा डेसिमल पॉइंट था वो मूव हो चुका है. सो हमारा आंसर कितना होगा 3.550. इट मीन्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट था पहले 3 और 5 के बीच में था, बट अब पहुंच गया हमारा 5 और 5 के बीच में. इट मीन्स वो एक राइट हैंड साइड पर 1 स्टेप मूव किया. राइट हैंड साइड पर कितना स्टेप मूव किया 1 स्टेप. क्यों? क्योंकि हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे. चलिए अब देखते हैं अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का. सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 5 2 2
0.5, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 का, ठीक है। सो करते हैं मल्टीप्लाई। आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के बाद में 00 आ जाता है, 6 के साथ करेंगे तो 600 आ गया, ठीक। सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5225 00। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। सो लास्ट से हम काउंट करते हैं 1 2 3, सो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ गया, 2 और 5 के बीच में। बट अगर हम देखें तो पहले हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था, 2 और 5 के बीच में था, ठीक। बट हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कहाँ मूव हो गया, 2 प्लेस के बाद में। सो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, सो वो 2 स्टेप राइट हैंड साइड पर मूव कर जाएगा, ठीक, टूवर्ड्स मूव कर जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 2 पॉइंट मूव कर गया और कहाँ पहुंच गया हमारा, 2 और 5 के बीच में, यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया, ठीक है। 100 था, 2 जीरोस थे, इसलिए 2 नंबर्स मूव कर गया। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोज कीजिए 3.2555 का मल्टीप्लाई करते हैं अब 1000 के साथ में, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी भी नंबर से 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो उस नंबर के बाद में 30 लगाएंगे। सो यहाँ भी हमारा 1000 के बाद 30 लग जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, सो लास्ट से काउंट करते हैं 1 2 3 4, सो हमारा डेसिमल कहाँ पहुँच गया, 5 और 5 के बीच में। पहले वो डेसिमल कहाँ था हमारा, पहला था हमारा डेसिमल 3 और 2 के बीच में, बट वो मूव करके कहाँ पहुँच गया, 5 और 5 के बीच में। सो हमें बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 3 डिजिट को मूव कर गया राइट हैंड साइड पे, किस साइड में, राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कैसे किया था 1000 का। इट मींस हम यह बोल सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ में, सो मूव करेगा 1 स्टेप राइट साइड में, ठीक है। अगर हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, सो 2 स्टेप मूव करेगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मींस पॉइंट्स के इस साइड, ठीक। अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 स्टेप मूव करेगा राइट साइड में, ठीक। इट मींस जितने जीरोस रहेंगे यहाँ पे उतने डेसिमल पॉइंट्स मूव करेगा राइट साइड में, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे वो 10 हो तो 1 स्टेप, 100 हो 2 स्टेप, 1000 हो तो 3 स्टेप, 10,000 हो तो 4 स्टेप। चलिए अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 5। चलिए पहला क्वेश्चन, आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ में। आपको पता है कि अगर हम इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सो हमारा नंबर के आगे 4 8 9 2 10 लग जाएगा, क्योंकि हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? टू नंबर्स हैं। सो लास्ट से हम टू नंबर काउंट करेंगे, 1, 2। सो हमारा डेसिमल कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमको सी वाले क्वेश्चन में 3.95 में मल्टीप्लाई करना है 100 का। ठीक है, आपको पता है किसी नंबर में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। सो हम काउंट करेंगे पीछे से, 1, 2, 3। सो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ गया? 5 और 9 के पास में। हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, सो ये 2 पॉइंट यहाँ पर मूव कर गया। यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, इसलिए हमारा डेसिमल यहाँ पे एक स्टेप मूव किया, यहाँ पे 2 स्टेप मूव किया। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है एक डेसिमल नंबर के साथ में। सो हम पहले इग्नोर करेंगे हमारे डेसिमल नंबर को, और जैसे आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4, 5, 2 5 10। सो हमारा आंसर कितना आया? 0.52। बट यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं राइट हैंड साइड पर। सो हम 1 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल नंबर लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं, सुनिए, आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई अपने कॉफ़ी के रफ पोर्शन में करेंगे, ना कि अपने फेयर पोर्शन में। सो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम इग्नोर करके डेसिमल को। 5 9 45, 4 कैरी, 5 4 20, 24। सो हमारा आंसर कितना होगा? 2 4 5। बट हमारा जो डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है राइट हैंड साइड पे, सो हमारा 24.5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। थर्ड का ए, इधर आपके देखिए 2.1 का मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ में। सो पहले आप इन डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे जीरो से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए 1 का मल्टीप्लाई करते, कितना आ गया? 1 और 2। ठीक, क्रॉस मारते, अब करते हैं हम 0 का मल्टीप्लाई, तो 0 0, आंसर कितना आ गया हमारा? 21। सो अब 21 यहाँ पे अब आंसर आ गया। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। सो 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना था? हमारा आंसर कितना था? 21। ठीक है, तो हमको 2 पॉइंट्स मूव करना है। हमारा एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। सो हमारा डेसिमल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। सो हमारा आंसर कितना हो गया? 0.25। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे आपको 215 का मल्टीप्लाई करना है 7.1 से। हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो 5 1 2 7 5 35, 7 1 7 और 3 10, 1 कैरी, 7 2 14, 14 और 1 15। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 6 2 5 1। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, इट मीन्स कितने नंबर हुआ टोटल? 3 नंबर। सो काउंट करते हैं हम पीछे से, 1 2 3। सो हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा? 15.265 के। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको यहाँ सब समझा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट सारे आप लोग अपने सेल्फ करेंगे, ठीक है। चलिए, कृष्णा एक लड़की है, करिश्मा वर्क्स एज लाइब्रेरी असिस्टेंट। एक करिश्मा लड़की है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का वर्क करती है, ठीक है। सी अर्न्स
वो कमाती है 9.0 90.75 पर आर। इट मीन्स वो लड़की 90.75 पर आर कमाती है, ठीक है। हाउ मच सी विल गेट पेड इफ सी पुट्स इन 10 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक। इट मीन्स आपको यह बताना है कि अगर वो 10 आवर वर्क करती है, 10 आवर वर्क करती है, सो वो कितने पैसे अर्न करती है एक वीक में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो उसको एक, आपको यहाँ बताया गया है कि वो एक वीक में कितना कमाती है, 1 आवर में कितना कमाती है, 90.75, बट वो सिर्फ एक वीक में 10 आवर्स काम करती है। सो इट मीन्स हमको ये बताना है कि उसको 10 आवर का पैसा कितना मिलता है। सो हम 90.75 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। अब आपको पता है कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट होता है वो मूव करता है 1 राइट हैंड साइड पे। सो हमारा आंसर कितना आ गया, ₹907.5, ठीक है। ये एक वीक में इतना पैसा कमा लेती है जब वो 10 आवर वर्क करती है। इसके स्टेटमेंट्स आप सेल्फ लिखेंगे, इससे आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निशा ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा 9 पिज़्ज़ा। निशा एक लड़की है, इसने 9 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। हाउ मच पिज़्ज़ा कॉस्ट, 220.50। सॉरी, निशा एक लड़की है जो 9 पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और एक पिज़्ज़ा का प्राइस कितना है, 220.50। हाउ मच डस शी नीड टू पे, ठीक है। चलिए अब हम उसका एक पिज़्ज़ा का प्राइस कितना दिया हुआ है, 20.50, ठीक है। अब एक पिज़्ज़ा का प्राइस कितना दिया हुआ है, 20.50। उसने कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, 9 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। इट मीन्स जब एक पिज़्ज़ा इतने रुपए का है तो 9 पिज़्ज़ा कितने होगा, 9 का मल्टीप्लाई। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 220.50 मल्टीप्लाई बाय 9, 9005 40 5, 4 कैरी 9000 0+4 4, 9 2 18 1 कैरी, 9 2 18 19। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 8 4 5 0, ठीक है। अब हमारा डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है, डेसिमल ये है हमारा, इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 2 हैं। सो हमारा डेसिमल भी 2 नंबर्स के बाद में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, निशा को इतने पैसे पे करने हैं 9 पिज़्ज़ा के। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राहुल की कार, जो राहुल राहुल कार ट्रेवल्स 29.7 किलोमीटर पर लीटर ऑन अ हाईवे। राहुल की कार है जो 29.7 किलोमीटर पर लीटर ट्रेवल करती है। इसका मतलब यह है कि जो उसकी जो कार है वो 1 लीटर में 29.7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इफ़ द फ्यूल टैंक ऑफ हिज कार कैन होल्ड 10.45 लीटर ऑफ पेट्रोल। जो उसकी कार है वो फुल टैंक कितने में हो जाती है, 10.45 लीटर, मतलब उसके टैंक में सिर्फ 10.45 लीटर ही पेट्रोल आता है। चलिए हाउ कैन फार कैन ही ट्रेवल ऑन द फुल टैंक ऑफ अ पेट्रोल। इट मीन्स अगर वो एक बार फुल कर लेता है अपने टैंक को, सो कितने किलोमीटर वो ट्रेवल कर सकता है, हमको यह पता लगाना है। सो हमें करना क्या पड़ेगा, जो उसकी कार है वो 1 लीटर में कितना चलती है, 29.7 किलोमीटर।
सो हमको पता लगाना है कि वो 10.45 लीटर से कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी। सो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट 29.7 का मल्टीप्लाई करना है 2.45 के साथ में। सो आप इनका मल्टीप्लाई करना और आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका स्टेटमेंट भी आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा होमवर्क है। हमारा असाइनमेंट ये है कि आपको लेट्स ट्राई 5 और माय टर्न 5 दोनों अपनी चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व करने हैं। आप लेट्स ट्राई करेंगे आपकी CW कॉपी में, और आप माय टर्न करेंगे आपकी होमवर्क कॉपी में। दोनों कॉपी आपको इंडिविजुअल बनानी है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।